बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू अंडों का सालन, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट बन जाता है। तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। चार उबले हुए अंडे लिए मैंने यहाँ पर, दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल कर छील लिया है और साथ में आलू के साथ ही मैंने आलू को इस तरह काट कर साथ ही बॉईल कर लिया था। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी जीरा, 1 चुटकी पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया ग्रेटर से, 1 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसको मैंने ग्रेटर की मदद से बारीक चॉप कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 2 सर्विंग स्पून घी लिया है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें घी शामिल करेंगे, घी को गर्म करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर देंगे, हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं, तो हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब इसमें ये टमाटर जो मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे इसे डालेंगे और इसको भी मिक्स करके फ्राई कर देंगे। टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें सारे मसाले, ड्राई मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें डाल दूंगा। अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें आलू और अंडे शामिल करूंगा। आलू अंडे शामिल करके इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मिक्स करके भून लेंगे। तो देखें जी, हमारा आलू अंडे का सालन बन करके तैयार है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखें जी, हमारे आलू अंडे का मज़ेदार सालन बन करके तैयार है। आप इसको हर धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।